रेनॉल्ट ट्राइबर और मारुति अर्टिगा में किसका माइलेज है जबरदस्त? नंबर एक, रेनॉल्ट ट्राइबर लॉन्च। रेनो की नई सब 4 मीटर क्रॉसओवर 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर को 10 लाख से कम कीमत में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी माना जा रहा है। वहीं ट्राइबर 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी में आएगी। 20 जून को लॉन्च हुई ट्राइबर का मुकाबला मारुति अर्टिगा और डेटसन गो प्लस से है। नंबर दो, माइलेज 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर। रेनो ट्राइबर की 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन आएगा और ये 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी के साथ मिलेगा। ये इंजन 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टार्क देगा। वहीं ट्राइबर के मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर होगा, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। नंबर 3, डेटसन गो प्लस। वही बात करते हैं डेटसन गो प्लस की, तो गो प्लस में 3 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 68 पीएस की पावर और 104 एनएम का टार्क पैदा करता है। वहीं गो प्लस 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसका माइलेज 19.83 किलोमीटर प्रति लीटर है। नंबर 4, मारुति सुजुकी एर्टिगा 2019। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति अर्टिगा की इसमें 4 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 105 पीएस की पावर और 138 एनएम का टार्क देता है। अर्टिगा 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। वहीं अर्टिगा मैनुअल ट्रांसमिशन 19.34 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक पर 18.69 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस सेगमेंट में अर्टिगा ही ऐसी गाड़ी है जिसमें बड़ा और पावरफुल इंजन आता है। वहीं भारी होने के बावजूद मैनुअल वेरिएंट का माइलेज ट्राइबर से 0.66 किलोमीटर प्रति लीटर कम ही है, जबकि अर्टिगा के ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज ट्राइबर ऑटोमेटिक के माइलेज से 1.18 किलोमीटर प्रति लीटर ही कम है। नंबर 5, 2019 रेनॉल्ट ट्राइबर। ट्राइबर को 2019 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 6 लाख से शुरू होती है। डेटसन गो प्लस भी 7 सीटर एमपीवी है, लेकिन ट्राइबर में ही ज्यादा प्रीमियम फीचर मिलते हैं और इस सेगमेंट की पहली बार मॉड्यूलर सीट अरेंजमेंट मिलता है। वहीं मारुति अर्टिगा की कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू है। ट्राइबर ऐसी गाड़ी होगी जो लाइनअप में मारुति अर्टिगा से नीचे और डेटसन गो प्लस के ऊपर होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।